हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हम लोग बात करेंगे जहां एक तरफ मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर भाव लगातार चढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। और इसके साथ एसबीआई लाइफ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल के भी जो शेयर भाव है लगातार बढ़ते हुए हम लोगों ने देखे थे। तो एक तरफ तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ जो है सब्सिडियरी कंपनी है एचडीएफसी की, और एचडीएफसी अपने धराशायी हो रहा था, और एचडीएफसी का बच्चा, ये जो हाथी का बच्चा है, ये ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा था। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये हाथी का बच्चा मार्केट को हिला के रख देगा और ये क्यों हिलाएगा, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर हम लोग एचडीएफसी लाइफ के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि एचडीएफसी लाइफ का जो शेयर है वो अपने स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उस पर जाकर के बार बार बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मार्केट में तो लास्ट ट्रेडिंग डे में काफी बिकवाली देखने को मिली थी, ऊपरी स्तरों से मार्केट निगेटिव हो गया था, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस के जो तीन स्टॉक है एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ, इन तीनों में हम लोगों ने तेजी बनता हुआ देखा। और उसके कारण दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो क्वार्टर फोर के नतीजे थे वो काफी खराब देखने को मिले थे, उसके बावजूद जो है वो स्टॉक जो है निचले स्तरों से 10% की तेजी दिखाता हुआ ट्रेड कर रहा था। हालांकि मार्केट में लास्ट मोमेंट में जब गिरावट हुई तो 5% के ऊपर जाकर के बंद हुआ। तो उसके जो रिजल्ट एनालिसिस है दोस्तों, उसके वीडियो हमने अपलोड कर लिए हैं, उसके क्या कारण थे आप उसे जाकर के जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी लाइफ पर ही कंसंट्रेट करेंगे कि आने वाले दिनों में एचडीएफसी के शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। दोस्तों, वो दिन भी आ चुका है जिसका हम लोगों को इंतजार था कि एचडीएफसी लाइफ अपने रिजल्ट को पेश करे। तो वो दिन कौन सा है दोस्तों, ये है 26 अप्रैल को एचडीएफसी लाइफ अपने रिजल्ट को पेश करने जा रही है। तो वो दिन आ गया है, तो हम लोग ये समझेंगे कि अब यहाँ से ये स्टॉक कैसा बिहेवियर दे सकता है, इसके रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार आपके लिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूं, और आपको मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में लगातार बताता रहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस करके भी बताता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस करके भी बताता हूं, और अपनी जानकारी रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप व्यूअर्स तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एचडीएफसी में जो तेजी बन रही है क्या ये आगे भी जारी रहेगी या फिर ये स्टॉक वापस यहां से नीचे लुढ़क जाएगा। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम लोगों को इसके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा कि एचडीएफसी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग एचडीएफसी लाइफ के फिनेंशियल को देख रहे हैं, और ये एनुअल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और इसके रेवेन्यू फिगर को देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इसके रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये हाई ग्रोथ में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट भी इसके लगातार हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये देखिए साल दर साल इनके नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये भी काफी हाई ग्रोथ में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एनुअली हम लोग बोल सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ के जो एनुअल रिजल्ट रहे हैं साल दर साल काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ के रिजर्व और सरप्लस को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इसके बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए इनके रिजर्व एंड सरप्लस लगातार काफी तीव्र गति से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये पिछले 5 सालों में इसके जो रिजर्व हैं लगभग 4 गुना से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। और अगर इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें कि इसके ऊपर कर्ज है कि नहीं, तो ये देखिए 0 है, इनके ऊपर 1 रुपया का भी कर्ज नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये भी देखिए 0 है, तो इसके ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि एचडीएफसी लाइफ निफ्टी 50 का पार्ट है, तो निफ्टी 50 का पार्ट भी है, और इसके बिजनेस ग्रोथ इतने अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और इनके रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंपनी पर 1 रुपया का कर्ज भी नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब हम लोग आउटलुक की बात करें कि लाइफ इंश्योरेंस का आउटलुक कैसा है, तो उस पर भी एक न्यूज है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मार्च 2021 का न्यूज है और इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो न्यू बिजनेस है 21% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है फरवरी महीने में। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए और जो कोविड का सिनारियो चल रहा है उसमें अवेयरनेस भी काफी बढ़ा है लोगों के बीच में इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर के, और इनके जो प्रोडक्ट है काफी तेजी से हम लोग बिकते हुए देख रहे हैं, काफी इन लोग सेलिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की। और जैसा कि हम लोगों ने आईसीआईसी प्रूडेंशियल के रिजल्ट में देखा कि वो लाइफाई अपने प्रोडक्ट बेची है, रेवेन्यू जनरेट की है, हालांकि उनका नेट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन उनके जो इंश्योरेंस प्रीमियम है काफी ज्यादा लाइफ हाई देखने को मिले हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि एचडीएफसी लाइफ जो कि अपना रिजल्ट 26 अप्रैल को प्रस्तुत करने वाली है तो ये भी लाइफ हाई अपने रेवेन्यू पोस्ट करने वाली है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अब बड़े निवेशकों का रुझान भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि बड़े निवेशकों का क्या रुझान है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, एफआईज की होल्डिंग इस स्टॉक में लगातार देखिए वो अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं। तो जो बड़े निवेशक हैं एफआईज वो काफी बुलिश हैं इस स्टॉक को लेकर के। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ के आधार पर इनके सेल्स फिगर को देखा जाए तो ये टीटीएम बेसिस पर 52,683 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट कर चुकी है जो कि ये लाइफ हाई सेल्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं पर दूसरी और नेट प्रॉफिट भी इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1,353 करोड़ देखने को मिल रहा है जो कि इनका लाइफ हाई नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जब 26 अप्रैल को एचडीएफसी लाइफ अपना जो एनुअल रिजल्ट प्रस्तुत करेगी वो लाइफ हाई रेवेन्यू और लाइफ हाई नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करने जा रही है। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में जो एचडीएफसी लाइफ के शेयर भाव है वो काफी तेजी से हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी मार्केट सेंटिमेंट काफी खराब है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के चलते, लेकिन जब भी मार्केट के सेंटिमेंट सुधरेंगे तो 2021 जो साल होगा दोस्तों हम लोग उम्मीद कर सकते हैं एचडीएफसी लाइफ का शेयर मार्केट को हिला करके रख देगा, ऐसा पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि टारगेट क्या हो सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर लगा के रखे हैं दोस्तों, और ये जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में तो ये काफी अभी वीक देखने को मिल रहा है, हालांकि इसमें अभी बाउंस बैक देता हुआ देखने को मिल रहा है और ये साइडवेज मूवमेंट में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डेली चार्ट में ये स्टॉक अपने 200 डेज एमा से ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है और 100 डेज एमा से कुछ नीचे ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसने बाउंस बैक दिया है और ये अपने 100 डेज एमा से ऊपर निकल गया है। और जिस प्रकार के जो रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों हम लोग उम्मीद करेंगे कि इन स्तरों से ये स्टॉक जो है आगे भी तेजी दिखाएगा आने वाले दिनों में। और अगर हम लोग पूरे साल भर की टारगेट की बात करें कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 725 का जो रेसिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांग रेसिस्टेंस है एचडीएफसी लाइफ के लिए। और अगर ये स्टॉक 725 के रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकल जाता है तो हम लोग इमीडिएट जो टारगेट देखेंगे वो तकरीबन 965 का देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में। और मार्केट की स्थिति अगर और अच्छी हो जाती है, इसके सेंटिमेंट सुधरते हैं, तो पूरे 2021 के पीरियड में हम लोग इस शेयर को तकरीबन 1300 का स्तर भी पार करता हुआ देख पाएंगे, ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मेरी लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी कि किस आधार पर मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को वॉच किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।